हाय गाइस, वेलकम टू ए फॉर ऑटिज्म। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और इसके बारे में जो है बहुत लोगों ने मुझसे पहले भी बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैंने कमेंट्स के थ्रू आंसर दिया है। बट आई एम श्योर ये जो टॉपिक है ये सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ना एंड तक देखिएगा और लगातार देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बिकॉज मैंने एट टाइम्स ऑब्जर्व किया है कि जो वीडियोस मैं पोस्ट करती हूँ उसके नीचे कई बार ऐसे कमेंट्स होते हैं जो वीडियो में ऑलरेडी कवर्ड होता है। तो कई बार मैंने बहुत छोटी सी लाइन में वो चीज़ बताई होती है, बट देन अगेन वो कमेंट्स में होता है एंड फिर अगर वो कमेंट मुझसे मिस आउट हो रहा है तो वहाँ पर रिप्लाई करने में अगर देर हो जाती है तो आपका क्वेश्चन एड्रेस नहीं हो पाता, बट एक्चुअली वो वीडियो में ऑलरेडी होता है। तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को एटलीस्ट आप पूरा इसलिए देखिए बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ऑटिज़म में स्लीपिंग इश्यूज़ क्यों होते हैं बच्चों को, और अगर वो स्लीपिंग इश्यूज़ हो रहे हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है लर्निंग और मेमोरी पे। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप हेल्प आउट कर सकते हो अपने बच्चों को उनकी स्लीपिंग हैबिट्स को ठीक करने में। और सिर्फ स्लीपिंग हैबिट को ही ठीक नहीं करना होता, क्वालिटी स्लीप मिले, यानी अगर वो 2 घंटे भी सो रहे हैं, 3 घंटे भी सो रहे हैं, तो उनकी जो स्लीप है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, इसके ऊपर मेजर फोकस होना चाहिए ताकि उनका जो पूरे दिन का बिहेवियर है वो अच्छे से रहे एंड वो इम्पैक्ट ना, उनकी लर्निंग या उनकी जो भी सोशल स्किल्स है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि स्लीपिंग इश्यूज़ होते क्यों हैं ऑटिज़म के अंदर। सो टिपिकल ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनके अंदर ना एक हॉर्मोन डेवलप होता है मेलाटोनिन करके। ये जो मेलाटोनिन है ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को ये समझने में कि नाउ इट्स टाइम टू स्लीप, या ये टाइम है रेस्ट लेने का। हमारे लिए नींद इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जो भी थ्रू आउट द डे हमने लर्निंग ली है हमारे ब्रेन में वो लर्निंग स्टोर हो सके। इसीलिए हमारी स्लीप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है REM, REM, रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट क्या होता है, अगर हमारी स्लीप में वो REM है तो हमारी जो मेमोरी है जो भी हमने थ्रू आउट द डे गेन किया है वो स्टोर हो जाती है हमारे ब्रेन के पार्ट में। जो कि ऑटिज़म में क्या होता है कि ऑटिज़म में बच्चों की जो REM स्लीप है, यानी अगर वो सो रहे हैं तो REM जो स्लीप है यानी रैपिड आई मूवमेंट का जो फेज़ होता है सोने के अंदर वो सिर्फ 15% होता है, लेकिन टिपिकल बच्चों में ये जो फेज़ होता है REM का ये 23% होता है। इसीलिए टिपिकल बच्चों की मेमोरी, लर्निंग, उनका सोशल बिहेवियर सब कुछ ही जो है नॉर्मल एंड अच्छा होता है, पूरे दिन वो ज़्यादा क्रैंकी नहीं रहते एंड स्लीप में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो उनकी मेमोरी एंड उनकी लर्निंग जो है इम्पैक्ट नहीं होती एंड उनका ब्रेन जो है प्रॉपरली ग्रो करता है। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी ब्रेन डेवलपमेंट होने के लिए, लेकिन वही बात है कि साउंड स्लीप होनी चाहिए। अब जो स्लीप इश्यूज़ आते हैं उनको इंसोम्निया कहते हैं। तो आपने नाम सुना होगा इंसोम्निया बहुत बार। इंसोम्निया का मतलब यही है कि रात को नींद नहीं आ रही। तो जिन भी बच्चों को ADHD है, ऑटिज़म है या किसी तरीके की कोई डिसऑर्डर है उनके साथ ये स्लीपिंग इशू होता है। कुछ बच्चों को स्लीपिंग इशू के साथ स्लीप एपनिया भी होता है। स्लीप एपनिया क्या होता है, सोते सोते उनकी जो ब्रेथ है वो बार बार उखड़ती रहती है, यानी वो जो सो रहे होते हैं तो उनको ब्रेथ नहीं आती और उस वजह से भी उनकी नींद डिस्टर्ब होती। तो एक स्टडी हुई थी उसमें स्लीप एपनिया में एक छोटी सी सर्जरी होती है जिससे ब्रीदिंग इशू जो है रिजॉल्व हो जाता है। तो एक छोटी सी स्टडी में ये देखा गया कि जिन बच्चों को ऑटिज़म था या जो टिपिकल बच्चे थे जिन्हें स्लीप एपनिया था, क्योंकि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि स्लीप एपनिया सिर्फ ऑटिज़म के अंदर हो, स्लीप एपनिया यूजुअली भी एक तरीके की ऐसी चीज़ है जो किसी को भी हो सकती है। तो एक सर्जरी करी गई बच्चों के ऊपर जो टिपिकल भी थे और जिनको ऑटिज़म भी था। तो वो एक छोटी सी सर्जरी जो यूज़ की गई थी ब्रीदिंग इश्यूज़ को ठीक करने के लिए, स्लीप एपनिया को ठीक करने के लिए, वहाँ पर देखा गया कि जिन बच्चों को ऑटिज़म था उनका सोशल स्किल, उनकी लर्निंग जो है ज़्यादा अच्छी रही एंड उनका टोटल बिहेवियर जो डे में था वो ज़्यादा क्रैंकी नहीं था, अच्छा रहा। मैंने बहुत बार कमेंट्स में एक चीज़ पढ़ी है, जब आप बोलते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जब सो के उठते हैं तो बिहेवियर बहुत क्रैंकी रहता है, 2-3 घंटे लगते हैं, उसके बाद नॉर्मल होते हैं। तो देन अगेन यही प्रॉब्लम है कि जो उनकी REM स्लीप है, जो उनकी रैपिड आई मूवमेंट वाला फेज़ है वो अच्छे से नहीं हो पाता होगा। उनकी जो स्लीप क्वालिटी, आपको दिखने में तो लग रहा है कि बच्चे सो रहे हैं 2-3 घंटे 4 घंटे, लेकिन उनकी जो स्लीप क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है स्लीप एपनिया या स्लीपिंग इश्यूज़ या इंसोम्निया, ये सारा मिला जुला कर जो है वो बच्चों के अंदर इश्यूज़ क्रिएट करता है। और बच्चे क्योंकि नॉन वर्बल होते हैं ऑटिज़म के अंदर बहुत लंबे टाइम स्टार्टिंग के, तो वो बता नहीं पाते, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सोने के बाद भी बच्चा जब उठ रहा है तो वो इतना क्रैंकी क्यों है।
कुछ चीजें जो आप कर सकते हो स्लीपिंग इश्यूज को रिजॉल्व करने के। सो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि विराज के साथ कभी स्लीपिंग इशू था या नहीं, तो मेजर स्लीपिंग इशू था, मतलब एक्चुअली रात को वो दो दो घंटे के ब्रेक्स में बार बार उठता था एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। आई मीन ये प्रॉब्लम हमें शायद 2 साल से बहुत ज़्यादा एविडेंट हो गई थी सोना, क्योंकि मुझे ये पता है बच्चे 1 साल के बाद थोड़ा रूटीन जो है वो कैप्चर करना स्टार्ट करते हैं एंड फिर वो बड़ों वाले रूटीन में आ जाते हैं। लेकिन विराज के साथ वो बड़ों वाला रूटीन आ ही नहीं पा रहा था, 2-2.5 साल हो गए थे और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वो सोना नहीं चाहता था एंड रात को वो 2-2 घंटे या 3-3 घंटे के गैप में बहुत जल्दी उठ जाता था। तो कुछ चीज़ें मैंने फिर जो है रिसर्च किया एंड पढ़ा एंड मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिजॉल्व होगा। सो मैंने बहुत सारा मटेरियल रिसर्च करा एंड कुछ डॉक्टर्स से बात करी। तो पहली चीज़ जो मुझे ये समझ में आई वो ये कि कई बार बच्चों के ईयर में इन्फेक्शन होता है या ईयर वैक्स बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से उनके ईयर में एयर पास नहीं हो पाती। यूजुअली ये इन्फेक्शन में एंड अप कर देता है, बच्चों को स्ट्रेस रहता है, उनके बिहेवियर में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और उनकी लर्निंग इम्पैक्ट होती है। अगर उनका वैक्स बहुत ज़्यादा है, ईयर इन्फेक्शन है, मिडल ईयर इन्फेक्शन है, 30% तक हियरिंग लॉस हो सकता है। अब वो ईयर इन्फेक्शन एक कान में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। तो आपकी पहली ड्यूटी होनी चाहिए कि आप पहले ये वाली चीज़ रूल आउट कर लो, क्योंकि कई बार जब ईयर वैक्स ज़्यादा होती है तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी, जैसे अगर मैं आपको लेमैन में समझाऊँ कि जब आप ईयरफोन्स लगा लेते हो और तब आवाज़ आती है बहुत गूंजी गूंजी सी एंड फिर आप ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाओगे कि आसपास से कौन सी आवाज़ आ रही है कौन सी नहीं, एंड यू विल इग्नोर इट। तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम होती है। और ये मिडल ईयर इन्फेक्शन जो होता है ये बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे बड़ा कारण बनता है, यानी ये सबसे बड़ी इम्पेयरमेंट क्रिएट करता है कि बच्चे जो है लैंग्वेज नहीं सीख पाते क्योंकि वो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे सुनने में। जो चीज़ उन्हें पसंद है उसमें एफर्ट लगा लेंगे। लाइक मुझे हमेशा लगता था विराज सुन सकता है क्योंकि राइम्स गा रहा है, नंबर्स बताए, सब कुछ तो पता है, बट वो सिर्फ टीवी की आवाज़ ज़्यादा कैप्चर करता था क्योंकि वहाँ वो फोकस लगा के सुनता था। और आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, जब आप फोकस लगा के कोई गाना सुन रहे हैं जो भी कहीं पे भी दूर बज रहा है किसी शादी में, तो आप एकदम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन अगर यूजुअल लाइफ में आपको नहीं इंटरेस्ट है उस गाने में तो आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो वही सेम चीज़ है कि वहाँ पर बच्चे जहाँ कंसंट्रेट करके सुन लेंगे उतना वो सुन लेंगे, अदरवाइज वो उतना एफर्ट नहीं लगाते। और ईयर वैक्स जो है उसका पीक टाइम होता है परेशान करने का रात का, तो वहाँ स्लीपिंग इशू आएगा, वहाँ डिस्टर्बेंस होगी। तो पहला काम करिए किसी ENT स्पेशलिस्ट के पास जाकर दोनों ईयर्स जो है वो चेक करा लीजिए। कोई बेरा टेस्ट नहीं होता है, 650 रुपये का टेस्ट होता है जिससे मिडल ईयर इन्फेक्शन पता लग जाता है, और एक जो है आप नॉर्मल जाइए ईयर की क्लीनिंग करवा लीजिए वैक्स से। अपने आप क्यू टिप से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप क्यू टिप से करते हैं तो वैक्स और पीछे पुश हो जाता है एंड वो और ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो बेटर है आप ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उनके पास जेट मशीन होती है वाटर की, उससे वो कर देंगे। थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा क्योंकि बच्चे एकदम से सेटल नहीं होते, विराज के साथ बहुत पकड़ के करवाना पड़ा था, बट हाँ रिजॉल्व हो जाएगा इशू एंड बच्चे का आपको बिहेवियर और स्लीप बहुत अच्छी दिखेगी अगर एक्चुअली ये चीज़ ट्रबलसम थी और यही चीज़ प्रॉब्लम दे रही थी। सेकेंड चीज़ है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन ओवर द काउंटर मिल जाता है इंडिया में, लेकिन क्योंकि मुझे ये सब पता है कि बाहर से आप लोग बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं, तो बाहर आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी मेलेटोनिन खरीदने के लिए, क्योंकि US या और कंट्रीज़ में बिना प्रिस्क्रिप्शन जो है मेलेटोनिन नहीं मिलता। तो मुझे ये चीज़ पता है क्योंकि मैंने हेल्थ केयर में जो है काम किया हुआ है US के एंड अब्रॉड की कंट्रीज़ के, तो मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगा। तो आप ट्राई भी मत करिएगा, क्योंकि मेरी यही एडवाइस है कि अगर आप बाहर हैं तो आप डॉक्टर की एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही मेलेटोनिन लीजिए। एंड अगर आप इंडिया में भी हैं, अपने आप से मेलेटोनिन ट्राई करने के लिए ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर से पूछिए। कुछ लोग CBD के बारे में पूछते हैं कि CBD रिलैक्स करता है, स्लीपिंग इश्यूज़ को करेक्ट करता है। मैं आपको CBD रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि CBD एक तो पहले मैंने यूज़ नहीं किया, दूसरा मैंने CBD के बारे में कभी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ा। हाँ CBD ऑयल के बारे में बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, बट उतना नहीं है। एंड जब तक मैं प्रॉपरली विराज के साथ नहीं यूज़ कर लूँगी तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी उस चीज़ को। मेलेटोनिन मुझे यूज़ नहीं करना पड़ा, ना ही मुझे कभी उसकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मेरे केस में विराज के साथ जो ईयर इन्फेक्शन था उसके कान में हो गया था एंड समवेयर अराउंड उसने वो 1.5 साल सफ़र किया, हमें बता भी नहीं पाया। उसकी वजह से वो टीथ ग्राइंडिंग बहुत करता था और रात के टाइम वो बहुत ज़्यादा जगता था, तो जब हमने चेक कराया तो ब्लड था, पस था, पूरी वैक्स निकली, एक कान में तो फुल ब्लॉक्ड था, एक कान में पार्शली ब्लॉक्ड था। और उसके बाद से तो जो मैंने स्लीपिंग में चेंजेस देखे थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली हाइपर एक्टिविटी की वजह से स्लीपिंग डिस्टर्ब होती। सो मेलेटोनिन प्रिस्क्राइब करवाइए, कितना देना है प्रॉपरली डॉक्टर से पूछे बिना, ऑनलाइन जाके मेलेटोनिन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में आराम से मिल जाएगा ऑनलाइन।
बट ऐसे नहीं, बिना रिकमेंडेशन, बिना यूजेज, बिना डोजेज जाने आपको नहीं देना है. सो प्लीज़ डू नॉट एक्सपेरिमेंट मेलेटोनिन विद योर किड्स विदाउट हैविंग अ कंसल्टेशन विद डॉक्टर. तो वहाँ पूछ लीजिए. थर्ड चीज़ जो आप कर सकते हो, कैमोमाइल टी. मेरे को बहुत अच्छी लगी वो. और कैमोमाइल टी जो है ना, 8 या 9 महीने के बच्चे को भी दी जाती है उसकी नर्व्स को काम डाउन करने के लिए. मैं लिंक लगाऊंगी, आप पढ़ लेना. कैमोमाइल टी जो है बहुत बेनिफिशियल होती है, छोटे बच्चों के केसेस में भी दे देते हैं. ऑटिज्म से रिलेटेड नहीं, सिर्फ स्लीपिंग इशू या फसीनेस होती है जिन बच्चों को, उनके केस में भी दे देते हैं. जब दांत आ रहे होते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो कैमोमाइल टी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जब आप बच्चे को लिक्विड इंट्रोड्यूस करते हैं. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कैमोमाइल टी देने में. कैमोमाइल टी कितनी देनी होती है? कैमोमाइल टी आपको स्लीप से हाफ एन आवर पहले देनी होती है. मैक्सिमम डोजेज जो मैंने आज तक विराज को दिया या जितना मैंने पढ़ा और जाना, वो यही है कि 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं दें. उससे ज़्यादा देने से कुछ ऐसा इतना जो है इफ़ेक्ट बहुत चेंज नहीं होता, बट 2 चम्मच इज़ फाइन. तो 2 चम्मच आप निकालिए कैमोमाइल टी. मैं कौन सी यूज़ करती हूँ, मैं लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ब्लू टी ब्रांड है, उसकी कैमोमाइल टी यूज़ करती हूँ. मैंने बताया भी, एक वीडियो में दिखाई थी आपको. तो वो जो है, मैं उसका लिंक लगाऊंगी. सिंपल तरीका है बनाने का, जैसे आप चाय बनाते हो नॉर्मल, आप उसको गैस पे रखो, 2 कप पानी लो, 1 चम्मच कैमोमाइल टी डालो और उसको बॉईल करके हाफ कर लो, 1 कप जितना. 1 कप में आप चाहो तो लेमन स्क्वीज कर सकते हो, हनी डाल सकते हो, अगर बेबी ऐसे नहीं ले रहे हैं डायरेक्ट, जो कि नहीं लेंगे. क्योंकि मेरे केस में ऐसा था, तो स्टार्टिंग में तो रूह अफ़ज़ा वगैरह मिलाकर देना पड़ता था. बट देन आई लर्न कि यार शुगर इनटेक है, तो सोने से पहले अगर मैं दे रही हूँ तो फिर वो उतना शायद नहीं असर करेगी. फिर मैंने उसके अंदर जो है धीरे धीरे करके हनी और लेमन इंट्रोड्यूस करो. उसको आप थोड़ा ठंडा करके भी दे सकते हो, आइस टी की तरह चलेगा, नो प्रॉब्लम. क्योंकि बेसिक काम कैमोमाइल का यही है कि वो मसल्स को रिलैक्स करता है, ब्रेन को रिलैक्स करता है, और स्लीपिंग क्वालिटी को, स्लीप इंड्यूस करेगा, स्लीपिंग क्वालिटी को अच्छा करता है. यानी जब आप सो रहे हो, तो जो मैंने अभी आपको रेम बताया है, रैपिड आई मूवमेंट, वो जो स्लीप की क्वालिटी है, जो आपकी लर्निंग और मेमोरी के लिए अच्छी है, जो आपके नेक्स्ट डे के सोशल बिहेवियर के लिए अच्छी है, वहाँ पर वो आपकी मदद करेगा. तो एक क्वालिटी स्लीप मिलती है आपको, तो वो चीज़ वो करता है. वो कोई स्लीपिंग पिल नहीं है कि आपने खाया है नींद आ गई. क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, हमने कैमोमाइल दिया बट इट इज़ नॉट वर्किंग आउट. आप बिल्कुल इसको स्लीपिंग पिल की तरह मत लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप इंड्यूस करती है. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ है, आप दे सकते हो, नेचुरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं. कैमोमाइल के फ्लावर्स होते हैं, कैफीन नहीं होता इसके अंदर. उसके बाद आप जो कर सकते हो वो ये कि हाफ एन आवर पहले आप कैमोमाइल टी तो दे ही रहे हो, लेकिन आप कोई शुगर वाली चीज़ जो है कम से कम 2 घंटे पहले बेड टाइम के नहीं देंगे. क्योंकि शुगर वाली चीज़, चाहे वो जैगरी पाउडर ही है, कोई भी शुगर वाली चीज़ आप नहीं देंगे. हनी आप दे सकते हो, हनी इज़ वेरी वेरी सेफ एंड वेरी नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर. लेकिन जैगरी, शुगर वगैरह और कोई चीज़ अगर आप मीठा दे रहे हो, तो 2 घंटे पहले तो आप बिल्कुल नहीं देंगे, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए, वो नहीं देना. सेकेंडली, अगर आप एक स्लीपिंग पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हो अभी तक, आपको लगता है यार रात को नहीं सोया था, दिन में सो रहा है तो मैं सोने दूँ, जो गलती मैंने एक टाइम पे की है कि अगर विराज रात को नहीं सोया तो दिन में जितनी देर वो सो रहा है तो उसको सोने दूँ, तो वो नहीं कीजिएगा. एक स्लीपिंग पैटर्न आपको सेट करना पड़ेगा, धीरे धीरे हाफ एन आवर आगे टाइम पुश करते जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर रात को स्लीप नहीं करिए ना, आप डे में स्लीप करें, तो धीरे धीरे करके ना 10 डेज लेकर आधा आधा घंटा आगे शिफ्ट करते जाइए टाइम, एंड उस टाइम को ऐसे टाइम पर ले आइए जो आपका नाइट टाइम स्लीप हो. और अगर आपको लगता है रात में भी सोएं, आप दिन में भी नींद आ रही है, तो दिन में मत सोने दीजिए, दिन में किसी एक्टिविटी में इंगेज करिए. वहाँ पर आपको एक रात का जो पैटर्न है वो अच्छा मिलेगा. क्योंकि बाय द एज ऑफ 3 और 4 बच्चों का जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो ऐसा हो जाता है कि वो रात को 10 आवर्स सोते हैं, दिन में वो 1 घंटा सोते हैं, टिपिकल बच्चे. लेकिन हमारे ऑटिज़म में जो बच्चे होते हैं, उनको 9 आवर्स की स्लीप या 8 आवर्स की स्लीप इनफ है रात के लिए. एंड दिन में अगर वो 1 घंटा सो रहे हैं, 2 घंटा सो रहे हैं, इट इज़ फाइन. बट देन अगेन, दिन की नींद की वजह से रात की नींद इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए. बिकॉज बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी कि जो हमारी स्लीप वेक साइकिल है, यानी जो हम डे के हिसाब से चलते हैं, कहते हैं ना मॉर्निंग में हम उठते हैं, सनराइज है, रात में हम सो रहे हैं, हमारी बॉडी काम डाउन हो रही है, तो वो जो रात का टाइम है वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए. तो रात की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इसीलिए बहुत लोग जो नाइट शिफ्ट करते हैं, उनकी हेल्थ जो है डिटियोरेट हो जाती है. इसीलिए बोलते हैं मॉर्निंग शिफ्ट वाले लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है. तो ये साइकोलॉजिकली भी ठीक है एंड बायोलॉजिकली भी ठीक है. क्योंकि आप एक साइकिल फॉलो कर रहे हो जो भगवान ने, कुदरत ने बनाया है, तो वो फॉलो करने से भी तो बेनिफिट मिलता है हेल्थ को, तो वो चीज़ इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए. सो बहुत सारे पेरेंट्स ना सिर्फ लर्निंग टेबल चेयर एक्टिविटी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, आउटडोर एक्सपोजर या फिजिकल एफर्ट उतना नहीं करवाते बच्चों का.
जो कि कई बारी आप इसलिए भी नहीं करवाएंगे क्योंकि आपको लगता है बाहर जाकर बिहेवियर इम्पैक्ट होता है, या कई बार आप इसलिए भी नहीं करवाते कि मेरा बच्चा विलिंग ही नहीं है बाहर जाने के लिए, या बाहर जाकर वो बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल स्टबन हो जाएंगे या करेंगे नहीं, जिद करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए भी नहीं जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आप घर पर भी कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बाहर नहीं ले जा पा रहे हो, अगर आपके घर में स्टेयर्स हैं, आसपास स्टेयर्स हैं, तो स्टेयर्स उतरवाइए चढ़वाइए, एटलीस्ट 30 मिनट्स का वर्कआउट होना, ताकि आपका बच्चा थोड़ा थके, क्योंकि थकना बहुत ज़रूरी है। अगर थकेंगे नहीं, नींद नहीं आएगी, पूरे दिन एनर्जी नहीं यूटिलाइज हो रही है तो कहाँ से नींद आएगी, नींद आएगी ही नहीं। तो दो टाइम आपको वैसे भी फिजिकल वर्कआउट बच्चों का करवाना चाहिए, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था डोपामीन के ऊपर। फिजिकल एक्टिविटी से डोपामीन इंक्रीज होता है बॉडी के अंदर। डोपामीन क्या है, एक तरीके का हार्मोन है, जो गुड हार्मोन कहते हैं ना, हैप्पी हार्मोन, वो इंक्रीज होता है, और उससे जो है बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है बच्चों का, काम डाउन रहते हैं, लर्निंग अच्छी रहती है, रेपिटेटिव बिहेवियर आपको कम देखने को मिलेगा अगर स्लीप बच्चों की अच्छी है। तो स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स चढ़वा, अगर पार्क्स में ले जा सकते हैं वॉकिंग के लिए, या कहीं पर भी वॉक के लिए ले जा सकते हैं, 30 मिनट्स की वॉक तो मैंडेटरी, मतलब मैं आपको स्वेयर कर सकती हूँ कि ये इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा अगर आप ये सारी चीज़ें कर लोगे। तो आप 30 मिनट्स की वॉक ज़रूर करवाओ बच्चे को, खाना खिलाओ एंड 30 मिनट्स की वॉक के लिए ले जाओ। अगर नहीं भी करते हैं, धीरे धीरे करके टाइम बढ़ाना है, वन डे में तो 30 मिनट्स नहीं अचीव होगा, बट हाँ वन मंथ में 30 मिनट्स अचीवेबल है बहुत आराम से, क्योंकि आप हर रोज़ भी अगर 5-5 मिनट भी दे रहे हैं बच्चे को वॉकिंग का टाइम, तो बिल्कुल होगा। बाहर आपको प्रॉब्लम होती है, घर में करवाइए, घर में वॉक्स करवाइए, लेकिन सोने से पहले एक एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो ख़त्म हो जानी चाहिए। टेबल चेयर की एक्टिविटी से ना फिजिकल वर्कआउट नहीं होता, और फिजिकल वर्कआउट ना होने की वजह से ब्रेन तो इंगेज हो रहा है बट शरीर इंगेज नहीं हो रहा। तो शरीर को भी थकना ज़रूरी है सोने के लिए, सिर्फ ब्रेन का थकना ज़रूरी नहीं होता या आँखों का थकना ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, उसके बाद आप एक काम ज़रूर करना, क्योंकि ऑटिज्म में बच्चों को लाइट सेंसिटिविटी होती है, तो विराज के साथ बहुत है अभी तक ऐसा कि अगर हम लोग जो है रात को बैठ के कुछ काम कर रहे हैं फ़ोन में या लैपटॉप में, और उसकी लाइट आ रही है, या कुछ लोग नाइट बल्ब भी जलाते हैं, हम पहले नाइट बल्ब जलाते थे, और हमने ये नोटिस किया कि जब तक वो नाइट बल्ब ऑफ नहीं होता विराज को सेंसिटिविटी रहती है, एंड विराज जो है जगा रहता है, उसे लगता है कि अभी जगह में लाइट ऑन है। तो कुछ बच्चों के साथ साइकोलॉजिकल होता है, कुछ बच्चों के साथ ये लाइट सेंसिटिविटी वाली चीज़ होती है। तो वहाँ पर जो है आप अगर नाइट बल्ब जलाते हो, या आपके रूम में बिल्कुल आप डार्क नहीं करते हो, या आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से लाइट आ रही है रूम में, तो प्लीज़ उसको प्रिवेंट करिए कि लाइट ना आए रूम में, डार्क हो जाए रूम अच्छे से, एंड फिर आप उसको सुलाओ, नाइट बल्ब वगैरह सब बंद करो। क्योंकि एक टाइम बाद आप देखोगे बच्चा ये हैबिट लर्न करनी स्टार्ट कर देगा कि लाइट्स आर ऑफ, नाउ वी आर स्लीपिंग। विराज के साथ ऐसा ही हुआ है, विराज का स्लीपिंग इशू रिजॉल्व हुआ था समवेयर अराउंड जब वो 4 ईयर्स का था, क्योंकि तभी हमने ईयर इन्फेक्शन वाली चीज़ भी रिजॉल्व करी एंड बाकी चीज़ों में भी काम करना स्टार्ट किया था, क्योंकि डायग्नोसिस 3.10 में मिला था तो इतना नॉलेज ही नहीं था तब। तो उसके बाद जो जो नॉलेज गेन करते गए, उस तरह काम करते गए, तो वो चीज़ रिजॉल्व भी हो गई। बट हाँ, अब मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप ये कुछ चीज़ें कर लेंगे तो आप बच्चे का स्लीपिंग इशू बहुत 90% तक ख़त्म कर दोगे। क्योंकि विराज के केस में मैंने ये एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है जो देखा था, और उसकी वजह से ना वो दिन में इंटरेस्टेड होता था, हाइपर एक्टिविटी मुझे और इंक्रीज्ड ही लगती थी, कम नहीं लगती थी, और लर्निंग और बिहेवियर इश्यूज तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे इसी वजह से, क्योंकि नींद नहीं पूरी हो रही है। आपकी भी नहीं होगी तो आप भी क्रैंकी हो जाओगे। तो ये बिल्कुल ह्यूमन बींग्स के साथ होता है कि स्लीप इशू जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी सोशल लाइफ, आपकी लर्निंग, आपके बिहेवियर को। आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ के लिए परेशान हैं कि रेपिटेटिव बिहेवियर बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, स्टिमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। आप मेरे से ये चीज़ गारंटीड लिखवा लो कि अगर स्लीपिंग इशू रिजॉल्व हो जाए बच्चों का, आपको रेपिटेटिव जो बिहेवियर है वो इतना कम दिखेगा, इतना कम दिखेगा, सेल्फ स्टिमुलेशन बहुत कम हो जाएगी। और विराज के केस में सेल्फ स्टिमुलेशन इंगेजमेंट तो दिन भर चली रही है, लेकिन सेल्फ स्टिमुलेशन कम ही तब हुई जब उसकी नाइट की स्लीप अच्छी हो गई, एंड अब वो इस पैटर्न में आ गया है कि अब वो रात भर सोता है एंड दिन में जो है कभी कभी ऐसा होता है जब वो बहुत थक गया है तो वो 1 घंटे की नैप ले लेगा, लेकिन बाकी रात की उसकी स्लीप इंटैक्ट है, 9 आवर्स की वो लेता ही है। तो वो चीज़ आप प्लीज़ करना, क्योंकि मेरे केस में ये कुछ चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रही। मैं एक लिंक लगाऊंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ आप उस लिंक को पढ़ो, वो स्टडी है प्रॉपर इंसोमनिया के ऊपर जो ऑटिज्म के बच्चों के साथ होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे हो, मैंने पहले भी बताया है, मुझे लिटरली 48 आवर्स या कम से कम जो है 3 दिन अब लग रहे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली एक्सपैंड हो रही है फॉर ऑटिज्म वाली, तो मुझे मैसेजेस थोड़े ज़्यादा आने लग गए हैं अब। तो प्लीज़ अगर मैं आपको जल्दी से रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर इट, क्योंकि मैं सिंगल हैंडेडली ही जो है उसे करती हूँ डील।
और वही चीज़ है कि आप मुझे फॉलो अगर नहीं करके मैसेज करोगे तो वो हिडन रिक्वेस्ट में चला जाता है, जो मुझे नहीं दिखता, मुझे नोटिफिकेशन नहीं आती है। तो प्लीज़ आप पहले फॉलो करो फिर मैसेज करो, क्योंकि अगर आपको अनफॉलो करना है आप चैट कर लो उसके बाद आप अनफॉलो कर लो, ये कोई फॉलोइंग बढ़ाने के लिए नहीं है, बट ये सिर्फ प्राइवेसी सेटिंग्स ऐसी हैं इंस्टाग्राम की, क्योंकि एज अ गर्ल एज अ फीमेल मैंने ये सेटिंग कर रखी है कि अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट है जिसने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ है तो वो जो है मेरी प्राइवेसी हैम्पर ना हो इस वजह से। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप सारे पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए जहाँ हम बनाएं या हम जो है अपनी नॉलेज शेयर करें या नॉलेज गेन करें। तो एज एन एडमिन अभी मैं व्हाट्सएप पेज जो है लॉन्च नहीं कर सकती, क्योंकि आपको अगर सच बताऊं तो अभी इंस्टाग्राम हैंडल करना भी मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है एट टाइम्स। बट हाँ, जब मेरे पास इतनी कैपेसिटी होगी तो मैं डेफिनेटली या तो फेसबुक पेज ऐसा कोई ग्रुप या फिर व्हाट्सएप का कोई ग्रुप डेफिनेटली लॉन्च करूँगी, तो जहाँ पेरेंट्स आकर अपनी जो है प्रॉब्लम्स बता सकें, बात कर सकें या नॉलेज गेन कर सकें। बट तब तक के लिए फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि ऑटिज़म से रिलेटेड बहुत सारे हैं, ऑटिज़म पेरेंट सपोर्ट ग्रुप है, ऑटिज़म इंडिया पेरेंट सपोर्ट ग्रुप है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पर। और भी पेजेस हैं ऐसे ऑटिज़म से रिलेटेड टिपिकल, जैसे न्यूरो डाइवर्स करके है, लव फॉर न्यूरो डाइवर्स करके है, बहुत सारे पेजेस हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं और ऑल ओवर इंडिया से हैं, और ऑटिज़म पेरेंट सपोर्ट ग्रुप जो नॉर्मल बना हुआ है उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड से हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं भी उसकी मेंबर हूँ, तो वहाँ पर आप ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो मुझे भी कभी कन्फ्यूजन आता था कोई, तो मैं वहीं पूछती थी एंड लोग जो है अच्छे से रिप्लाई कर देते हैं। बट अगेन, अगर आपको कोई रिप्लाई कर रहे हैं तो आप ब्लाइंडली नहीं फॉलो करेंगे, आप हमेशा अपनी रिसर्च, अपने डॉक्टर से अगर कंसल्ट करना चाहते हैं, सारे मेजर्स लेकर सब कुछ चेक मार्क करके उसके बाद ही बच्चों के साथ वो चीज़ यूज़ कीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ क्या है ना, बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी का कंसर्न होता है। जो जस्ट किसी ने कुछ बताया, जैसे मैंने भी आपको कुछ बताया तो आपने वो चीज़ यूज़ कर ली, तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ब्लाइंडली फॉलो आप मुझे भी मत करो, आप रिसर्च ज़रूर करो। मैं एक ज़रिया हूँ, मैं एक पेरेंट हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, या मुझे भी आप ब्लाइंडली मत फॉलो करो। मैं अगर कुछ बताती हूँ तो मैं आपको इसीलिए वो लिंक लगा के देती हूँ कि आप वो पढ़ो, क्योंकि मैं भी ऐसे ही कोई चीज़ नहीं बता रही, मैं भी आपको पढ़ के रिसर्च के बेसिस पे ही बता रही हूँ एंड जो चीज़ विराज के साथ काम करी है वही बता रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा, आप मुझसे अगर किसी और प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं तो मैं आपको सीधे ही बोल देती हूँ मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं आपको कोई भी वो चीज़ कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बताऊँगी जो मैंने विराज के साथ यूज़ नहीं करी है, क्योंकि बच्चों के साथ ना हेल्थ और सेफ्टी का कंसर्न बहुत मेजर होता है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि इतनी सी भी कोई चूक हो जाए और किसी बच्चे की हेल्थ इंपैक्ट हो जाए। तो इसीलिए अगर मैं आपको वीडियो के अंदर कुछ दिखा रही हूँ, बता रही हूँ जो विराज के साथ यूज़ किया है, तो वो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बोल सकती हूँ कि हाँ वो मैंने यूज़ किया, आप करो और कमेंट्स पढ़ो, रिव्यूज़ पढ़ो, और अपने बच्चे के साथ मैं इतने टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो वो मैं आपको चीज़ बताऊँगी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ और मैं उसको दे नहीं रही हूँ, तो मैंने आपको हमेशा शोकेस भी किया, मैं उसको खिलाती हूँ वो चीज़। तो इट इज़ जस्ट लाइक एन एविडेंस कि हाँ, आपको ये ना लगे कि ये सिर्फ एक चीज़ का प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कोई प्रमोशन वाली चीज़ नहीं है, दिस इज़ जस्ट टू हेल्प आउट। जैसे कैमोमाइल टी के लिए मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ब्लू टी की ही लें, कौन सी लें, आप जो ब्रांड लेते हो वही लें। नहीं, आप कोई भी ब्रांड लो कैमोमाइल टी का, कैमोमाइल टी कुछ भी नहीं है, वो फ्लावर्स हैं सिंपल। क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा, तो कि भाई किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है तो थोड़ा वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, किसकी क्वालिटी थोड़ी पुअर है वो थोड़ा कम प्राइस का आएगा, इतना ही फ़र्क है, अदरवाइज़ वो नॉर्मल ड्राई फ्लावर्स होते हैं कैमोमाइल के। तो इसीलिए मैं कभी किसी ब्रांड को एंडोर्स नहीं करती, एक्सेप्ट नॉर्डिंग नेचुरल, उसको भी एंडोर्स नहीं कर रही हूँ, पर वो इतना ट्रस्टेबल और नंबर वन ब्रांड है वर्ल्ड का, तो मुझे लगता है कि वो तो बहुत इंप्रूवमेंट लेकर आया है, सिर्फ विराज में नहीं, बहुत सारे और बच्चों में भी बहुत बहुत इंप्रूवमेंट आई है, और टच वुड आई एम वेरी हैप्पी कि वो बच्चों में इंप्रूवमेंट लाया है, क्योंकि एक्चुअली ऐसा है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है कमेंट करके स्पेशली या इंस्टाग्राम पे मैसेज डाला है कि हमारे बच्चों में नॉर्डिक नेचुरल्स लेने के बाद बहुत इंप्रूवमेंट आया, तो आई एम ग्लैड कि मैंने ऐसा कुछ शेयर किया जिससे बच्चे इंप्रूव हो रहे हैं। और यही मेन एम है ऑब्वियसली एक और ऑटिज़म का, और यही मेन एम है बार बार यहाँ पर आकर जो है अपनी रिसर्च या अपने जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करने का, कि हमारे बच्चों की जो लाइफ है ना वो इतनी अच्छी हो जाए और वो इतने कैपेबल हो जाए कि ये कभी फील ही ना हो कि ऑटिज़म जैसी कोई चीज़ है या ऐसा कुछ उनकी जो है ऑटिज़म उनके लिए कोई बाधा बन रहा है, तो कभी ऐसा ना हो। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलूंगी, बहुत जल्दी मिलूंगी, तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे और प्लीज़ जो है स्लीपिंग इशू पे बहुत जल्दी से काम करिए, क्योंकि ये काम जैसे ही आपका रिजॉल्व हो जाएगा आपको अपने बच्चों में बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।